नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित त्रिपाठी। डेली 5 PM इवनिंग के इस इंडिविजुअल मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले कल के टॉपिक में मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस के पीछा करने से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराया था। टाइप नंबर 4 के यानी मिलने पकड़ने और पीछा करने से संबंधित प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों में कुछ प्रश्न रह गया था जिसको आज हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक लड़का अपने घर से सुबह 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है। उसका भाई उससे 1 घंटा 15 मिनट बाद एक स्कूटर लेकर उसी रास्ते से चलकर अपने छोटे भाई को दोपहर 1:30 बजे पकड़ लेता है। तो स्कूटर की चाल बताइए। दोस्तों ये सवाल कैसे लगेगा, कल के टॉपिक में मैंने आपको गैप मार रिलेटिव स्पीड के बारे में बताया था, कुछ उसी तरह लगेगा। और मैंने 3 मूल मंत्र जो पहले वीडियो में बताया था वो ध्यान रखिए। अगर वो ना देखा हो तो पहले जाके आप क्या कीजिए कि उन वीडियोज का लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उनको जाके देख लीजिए आप लोग। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है, 1 घंटा 15 मिनट बाद जो है उसका दूसरा भाई चलता है। देखिए इसको ये मान लीजिए 1 घंटा 15 मिनट क्या होता है, 1 घंटा अगर 15 मिनट को कहें तो 15/60 क्या हो जाएगा, 15/60 15 × 15 = 60 × 4 = 5/4 यानी इसको 5/4 घंटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक सही एक घंटे 15 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 5/4 यानी 5/4 घंटे बाद उसका बड़ा भाई निकलता है। तो 5/4 घंटे में बताइए वो कुछ दूरी तो तय कर चुका होगा छोटा भाई, 5/4 घंटे में वो इतनी मान लीजिए दूरी तय कर चुका हो। उसके बाद क्या करता है, उसका भाई यहाँ से उसका पीछा करना प्रारंभ करता है। बड़ा भाई मान लीजिए क्या करता है, बड़ा भाई यहाँ से पीछा करना प्रारंभ करता है। देखिए बड़ा भाई जब पीछा करना प्रारंभ करता है तो 1 घंटा यानी 10 बजे वो निकलता है और 1 घंटा 15 मिनट बाद यानी कहने मतलब की क्या हो गया, 11:15 पर उसका भाई निकलता है। और अगर 11:15 पर भाई निकलता है, पकड़ता कितने बजे है, पकड़ता उसे 1:30 है। 1:30 का कहने मतलब क्या हुआ कि 11:15 पे बड़ा भाई निकलता है, 1:30 पे पकड़ता है, यानी कुल कितना हो गया, 2 घंटा कितना हो गया, 2 घंटा 15 मिनट। और 15 मिनट को क्या करेंगे, घंटे में चेंज कर लेंगे, 15 × 15 = 60, 4 × 8 = 9 यानी 9/4 इसको लिख सकते हैं। यानी उसका बड़ा भाई जब चलना प्रारंभ किया तो उसको जाके यहाँ कहीं पकड़ा होगा मान लीजिए, अरे भाई ये यहाँ पे बंद थोड़ी ना कर दिया, ये भी तो भागता रहता है। और उसका भाई स्कूटर लेके मतलब 9/4 घंटे में क्या किया होगा, उसको क्या किया होगा, यहाँ पे मान लीजिए छोटे भाई को पकड़ लिया होगा। और छोटा भाई भी लगातार चलता रहा होगा, तो छोटा भाई लगातार चलता रहा हो तो छोटा भाई कितने घंटे चला है बताइए, छोटा भाई मतलब 5/4 घंटा पहले निकल चुका था और 9/4 घंटा ये तो इसके साथ चलता ही रहा होगा, तब तो यहाँ दोनों मिले हैं। तो छोटा भाई कहने मतलब कितनी देर चला, तो छोटे भाई को अगर देखें तो 9×5 = 14 कितना, 14/4 घंटा छोटा भाई चलता रहा और 9/4 घंटा क्या किया है, बड़ा भाई चला है उसके बाद में पकड़ लिया है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या पूछा है, छोटे भाई बड़े भाई की क्या पूछा है, चाल ही पूछा है। बड़े भाई की चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बड़े भाई की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, x किलोमीटर। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, हर क्वेश्चन बहुत मजबूती से हम बताते हैं हमेशा की तरह। देखिए x किलोमीटर, तो इसमें अगर देखा जाए तो यहां से लेके और यहां तक क्या बराबर है, दूरी बराबर है कि नहीं, यानी छोटा भाई यहां से लेके इतनी दूरी तय किया है, बड़ा भाई यहां से लेके इतनी दूरी तय किया है। और हमने बताया था कि अगर दूरी बराबर हो तो क्या होता है, समयों का अनुपात क्या कह सकते हैं, चालों का अनुपात समयों के अनुपात के क्या होता है, उल्टा होता है या विपरीत होता है। यानी लिख सकते हैं यस1/S2 = T2/T1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप खुद बताइए। दूरियों का अनुपात, दूरी जब बराबर होता है किसी केस में, जैसे इसमें क्या है, दूरी बराबर है, दोनों समान दूरी तय कर रहे हैं, तो हमने बताया था कि चालों का अनुपात क्या होता है, समयों के अनुपात का उल्टा होता है, S1/S2 = T2/T1 होता है। बस इसी पे मान पुट अप कर देना है, उसके बाद आंसर आप लोगों का डायरेक्ट बस समझ, ये क्वेश्चन केवल और केवल समझने के लिए है, केवल और केवल क्वेश्चन आप समझ जाए बस आंसर तुरंत ला देंगे। देखिये पहले की स्पीड दिया है, क्या दिया है, S1 की स्पीड यानी छोटे भाई की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, नहीं दिया है बताइए, छोटे भाई की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और दूसरे की स्पीड यानी बड़े भाई की स्पीड ज्ञात करना है, और इसकी स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। अगर देखें तो T2 मतलब बड़ा भाई का समय, तो बड़ा भाई का समय कितना है, 9/4 घंटे है या नहीं है बताइए, 9/4 घंटे ही तो चलता है, तो 9/4 घंटे इसको लिख दिए। और छोटे भाई बटा T1 है, T1 मतलब छोटा भाई कितना चला है, 14/4 घंटे कितना चला है, 14/4 घंटे कितना चला है बताइए,
14 बटे 4 घंटे। अब बताइए कुछ रह गया आपके क्वेश्चन में, कोई तब रह गया, x बराबर मान निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, x बराबर निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, x बराबर जब आप इसको मान को हल करेंगे तो 56/3 आ जाएगा, कितनी आ जाएगा 56/3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या आ जाएगा 56/3 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए क्वेश्चन में कोई दम है, कोई दम है क्वेश्चन में, यही कह रहा है कि छोटा भाई एक घंटे 15 मिनट बाद, मतलब छोटे भाई जब चल दिया है तो एक घंटा 15 मिनट बाद बड़ा भाई निकलता है, तो यानी 5/4 घंटे, तो एक घंटा 15 मिनट का मतलब हो गया, अगर घंटे चेंज करेंगे पूरा तो 5/4 घंटा आएगा, यानी 5/4 घंटा जो है क्या किया है, यहाँ पे छोटा भाई चला है और उसके बाद में ये चलता ही रहा है करने, मतलब और इतने दूरी तय करने के बाद तो बड़ा भाई चलना प्रारंभ किया है, और 9/4 घंटा बड़ा भाई चला है, और छोटा भाई का अगर देखे तो 9/4 घंटा तो इसके साथ चला ही है, और 5/4 घंटा पहले चला था, यानी कुल मिला के कितना है 14/4 घंटा छोटा भाई चला है, 9/4 घंटा बड़ा भाई चला है, इसकी स्पीड क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हैं, देखते हैं कि यहां से यहां तक दूरी दोनों लोग समान तय किए हैं, जब दूरी बराबर होती है तो चालों का अनुपात क्या होता है, समयों के अनुपात का विपरीत होता है, उल्टा होता है, उसे मान रख दिए S1 की स्पीड, यानी पहले छोटे भाई की स्पीड क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि क्वेश्चन में दिया है, इसके बाद में बड़े भाई की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हैं, दोनों का समय रख दिए हैं, क्वेश्चन मात्र ओरल कैसे सॉल्व हो गया आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन को तो हम 23 मिनट आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा ओरल क्वेश्चन था, बस आप लोग लगातार देखते रहिए, लगातार जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहने पर ही आप लोगों को विद्युत लाभ मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन अगर इसमें देखें तो एक क्वेश्चन है कि एक कार चालक 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है, वह 120 मीटर आगे एक बस को देखता है जो कि 30 सेकंड बाद 80 मीटर पीछे हो जाती है, उस बस की गति क्या होगी। देखिए बस की गति पूछा है, देखिए इसको कैसे लगाएंगे, इसमें अगर क्वेश्चन को समझने वाली बात है कि देखिए क्या करता है यहाँ पे, 120 मीटर मान लीजिए ये कार है, क्या है ये कार है आपका, मान लीजिए ये क्या है ये कार है, ठीक है ये कार हो गया आपका, ये 120 मीटर आगे क्या देखता है एक बस को देखता है, 120 मीटर आगे एक बस को देखता है, यानी मान लीजिए ये बस है आपका 120 मीटर आगे देख लिया इसको, इसके बाद में 30 सेकंड में क्या करता है, 30 सेकंड बाद फिर क्या करता है देखता है कि ये यहां से लेके यहां तक तो 120 मीटर की दूरी तय ही की, और ये बस भी लगातार चलता रहा होगा, यानी यहां कहीं बस पहुंच गया होगा, और यहां कहीं बस पहुंचने के बाद कार कहां पहुंच गया होगा, कार यहाँ पहुंच गया होगा, यानी ये लोग चलते ही तो रहते हैं, यानी 30 सेकंड बाद कहने मतलब कितना दूरी पीछे छोड़ दिया है 80 मीटर पीछे छोड़ दिया, यानी यहाँ की जो दूरी है 80 मीटर है, यहाँ की जो दूरी इतना देख रहे हैं आप, ये क्या है ये 80 मीटर की दूरी है, यानी 80 मीटर यानी 120 मीटर ये 80 मीटर का ये, यानी टोटल गैप देखें तो 120 और 80 कितना हो गया, 120 और 80 यानी कितना हो गया आपका 200 मीटर, यानी गैप कितना बना लिया है, यानी गैप से हमें मतलब है बाकी जो दोनों की स्पीड समान नहीं होगी उस स्पीड से तो कभी गैप बन नहीं सकता, आप लोगों को तो पता है उस स्पीड से कभी गैप, यानी अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल होती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी भी चाल होती बस की चाल होती तो कभी दोनों में गैप कुछ बन पाता, गैप जितना ही पहले 120 मीटर मान लीजिए आगे इसके था तो हमेशा 120 मीटर आगे ही रहता, यानी जो गैप कवर हुआ है यानी 120 मीटर ये गैप कवर होके उससे मिला है और मिलने के बाद 80 मीटर जो पीछे छोड़ा है, इसका मतलब है कि कार की स्पीड क्या रही होगी तेज रही होगी, और जितना स्पीड कार की स्पीड तेज रही होगी उतना स्पीड से उस गैप को कवर करके आगे बढ़ा होगा, समझ रहे हैं, यानी 200 मीटर का गैप कवर किया है टोटल, यानी ये दूरी मत सोचिएगा कि इतना दूरी साथ चला है, क्यों नहीं सोचिएगा, क्योंकि कहने मतलब कि जो साथ दूरी तय करते हैं वो तो अपने नॉर्मल स्पीड मात्र जो गैप कवर किए हैं, जो गैप यानी डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच में जो गैप हुआ है, यानी 120 मीटर ये आगे कवर किया है, 80 मीटर फिर आगे जाके बढ़ भी गया है, यानी इतना जो 200 मीटर का गैप हुआ है वो किस स्पीड से हुआ मात्र उससे मतलब है, हम लोगों को क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा और अलग समझने लायक बात है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, यहाँ हम रिलेटिव स्पीड लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि गैप जो बन रहा है वो रिलेटिव स्पीड से तो बन रहा है, यानी दोनों की चालों का जो अंतर होगा, यानी जितना चाल ज्यादा होगा उसी चाल से तो कह रहा है, तो रिलेटिव स्पीड का हमने रिलेटिव स्पीड के बारे में डिटेल में चर्चा की थी, कल का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं अगर आज नए हो चैनल पे, तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होता है, यानी स्पीड बराबर क्या देखे, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है, और रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अगर कोई चीज समान दिशा में चल रही हो, यानी कार भी इसी दिशा में जा रही है, बस भी इसी दिशा में जा रहा है,
तो दोनों चालों का अंतर लेते हैं। रिलेटिव स्पीड में क्या लेते हैं, दोनों चालों का अंतर लेते हैं अगर गति एक समान दिशा में हो रही है। तो दोनों चालों का अंतर देखें तो एक की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि बस की चाल कितनी है, बस की चाल मान ले रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कार की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसको घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि हमें रिलेटिव स्पीड लेना है। डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम कितना लेगा, टाइम कितना लेगा, 30 सेकंड मात्र लिया है, यानी यहाँ ये कुल मिला के कितना लिया है, 30 सेकंड लिया है। टाइम कितना लिया है, 30 सेकंड लिया है। देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, ये मीटर पर सेकंड में दिया है, तो इसको क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्योंकि मीटर पर सेकंड में इसको भी क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x जब इसको आप लोग हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा ये बस की चाल है। क्या है, बस की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को बस समझने योग्य है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसके है, बस ये समझना है कि गैप कितना बन रहा है, 120 मीटर का ये और 80 मीटर का ये, यानी 200 मीटर का गैप बन रहा है। उसी गैप को जो कार की स्पीड ज्यादा होगी उस स्पीड से तो मतलब उस गैप को कवर करेगी, नहीं तो उतना तो गैप हमेशा बने रहता, यानी कभी कार जो है आगे ना बढ़ पाता, यानी जितना स्पीड ज्यादा रहेगी उसी स्पीड से तो उस दूरी को तय करेगा। बात यही समझने योग्य है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे, तो रिलेटिव यानी सापेक्षिक चाल लेंगे, तो सापेक्षिक चाल यानी 56 माइनस x हो गया। इसके बाद में कितना ज्यादा ओरल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग समझने की बात है, समझ गए होंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में क्या कीजिए, सॉरी कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए कि कहां नहीं समझ में आया है, उसे समझाने की तो पूर्ण कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग और भी थोड़ा ज्यादा कहीं मतलब समझ पाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। दो स्टेशन राजगढ़ और सीतागढ़ के बीच की दूरी अगर देखें तो 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी राजगढ़ से सीतागढ़ की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत गति से जा रही है, 1/2 घंटे यानी आधे घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी सीतागढ़ से राजगढ़ की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति से जाती है। दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी मतलब कितनी दूरी पर मिलेंगी दोनों रेलगाड़ियां। यहाँ पे ये लिखना चाहिए कि कोई स्टेशन का नाम, जैसे मान लीजिए राजगढ़ से दोनों रेलगाड़ियां कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो देखिए कैसे लगेगा, पहले इसको क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन को समझने बात ये है कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन कहां से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन क्या आ रही है, इधर से आ रही है। ये मान लीजिए क्या है, ये राजगढ़ है, ये राजगढ़ है और दूसरा क्या है, दूसरा मान लीजिए सीतागढ़ है। क्या है ये सीतागढ़ है, ये सीतागढ़ है, यानी राजगढ़ से एक ट्रेन सीतागढ़ की ओर जा रही है और सीतागढ़ से एक ट्रेन राजगढ़ की ओर आ रही है। देखिए 220 किलो इनके बीच की अगर दूरी देखें तो कितना है, 220 किलोमीटर, 220 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच की, 220 किलोमीटर की। और देखिए कि जो पहली वाली ट्रेन है वो आधे घंटे मतलब आधे घंटे पहले चल देते हैं, क्योंकि जो ये ट्रेन है ये आधे घंटे पहले चल देती है। इसकी स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है और आधे घंटे पहले चल दे रही, तो कितना दूरी तय करेगी, यानी 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। तो 220 में से 40 किलोमीटर अगर घटा दें तो कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर, यानी अब शेष डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर, यानी आधे घंटे में कहीं मतलब 40 किलोमीटर तय कर चुका होगा, अब 180 किलोमीटर डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस को क्या करेंगे, दोनों लोग तय करना है, यानी इधर से अब क्या होगा, अब यहां से दोनों ट्रेन एक साथ मान लीजिए शुरू हुई है एक साथ, यानी इतना तो पहले एक ट्रेन चल चुकी है, इतना है पहले ट्रेन क्या कर चुकी है, चल चुकी है। यहाँ एक की स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे वाले की स्पीड क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इधर से ट्रेन आ रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर देखा जाए तो मिलने में लगा समय कितना होगा, मिलने में लगा समय यही तो आपसे पहले जानना चाहिए कि मिलने में लगा समय कितना, मिलने में लगा समय बताइए इनके, अब यहां से ये चले यहां से ये चले तो मिलने में कितना समय लेगा, गैप कितना है, 180 किलोमीटर का गैप है, 180 किलोमीटर का गैप है। दोनों क्या हो रहे हैं, विपरीत दिशा में। हमने बताया था कि अगर विपरीत दिशा में कोई चीज चल रहा है, यानी आमने सामने हो गया विपरीत ही तो कहेंगे, यानी एक इधर से जा रही है एक इधर से आ रही है,
ये विपरीत दिशा हो गया, तो क्या होंगी, तो चालें जुड़ जाएंगी, क्या होंगी, चालें जुड़ जाएंगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों चालों का क्या होगा, योग, यानी रिलेटिव स्पीड बराबर बताया था कि S1+S2 हो जाएगा अगर विपरीत दिशा में आ रही है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी एक की चाल कितनी है 80 किलोमीटर और दूसरी की क्या है 100 किलोमीटर है, यानी 80 और 100 क्या हो जाएगा 180, यानी कुल मिलाकर कट के क्या आ जाएगा, एक घंटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक घंटा, यानी मिलने का जो समय है वो एक घंटा है, यानी यहां से कहने मतलब एक घंटे बाद क्या होंगी ये दोनों मिल जाएंगी, तो अगर देखा जाए तो एक घंटे बाद मिल जाएंगी, तो एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 80 किलोमीटर चलेगा, यानी कहने मतलब 40 किलोमीटर पहले चल चुका है, 80 किलोमीटर और चलेगा, यानी 40 किलोमीटर चल चुका है, एक घंटे कितना चलेगा 80 किलोमीटर और चल चुका होगा, यानी 8×4=12, यानी कहने मतलब कुल मिला के 120 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर मिलेंगे, ही तो पूछ रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां कितनी दूरी, तो अगर देखा जाए तो राजगढ़ से कितनी दूरी पर मिलेंगी, 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, कितनी दूरी पर मिलेंगी राजगढ़ से, राजगढ़ से 120 किलोमीटर की दूरी पर, 120 किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां क्या होंगी मिलेंगी, यही आपका आंसर होगा, क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में जरूर देना चाहिए कि किस, यानी सीतागढ़ से पूछा है कि राजगढ़ से, अगर सीतागढ़ से पूछा होगा तो 220 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर ये ट्रेन चल चुकी है, तो उधर से कहने मतलब तब तो डायरेक्ट ये कह सकते एक घंटा, तो एक घंटा सीतागढ़ से ये ट्रेन चली होगी, और सीतागढ़ से एक ट्रेन कैसे चली होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा यानी एक घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, यानी सीतागढ़ से कितना 100 किलोमीटर दूर मिली होंगी, और अगर इधर से देखा जाए तो इधर से 120 किलोमीटर, जो भी कहने मतलब क्वेश्चन में रहेगा उसी हिसाब से आप लोग आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन को समझनी होगी कि क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है, बस ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बस उसके बाद में आंसर तुरंत आ जाएगा, कितना ज्यादा सिंपल कितना ज्यादा ओवरऑल क्वेश्चन है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो बार बार वीडियो को प्ले करके देखिए। अगला क्वेश्चन और बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड और एक बताएंगे जिससे आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन इसमें है कि ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर है, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 8 बजे जो है प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वह दोनों कितने बजे मिलेंगी, ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसको भी समझिए पहले, ये मान लीजिए ए है, ये क्या है बी है, ये ए है ये बी है, एक ट्रेन किधर से चलती है, ए से चलती है, ए से चलती है 8 बजे चलती है, कितने बजे चलती है 8 बजे चलती है, एक ट्रेन 8 बजे चलती है, ठीक है 8 बजे चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या चलती है, ए से बी की ओर चलती है, यानी इधर की ओर चलती है, ये ट्रेन चल दिया इधर की ओर से, फिर उसके बाद में कह रहा है कि दूसरी ट्रेन क्या चलती है, बी से ए की ओर 9 बजे, अब 9 बजे ये चलती है, एक ट्रेन कितने बजे चलती है 9 बजे चलती है, किसकी ओर, बी से ए की ओर चलती है, स्पीड किसकी है, कितनी है इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है इसकी, इस ओर चल दी, ठीक है इस ओर चल दी, ठीक है, और दोनों के बीच की अगर देखें दूरी कितनी है, तो दोनों के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है, यानी ए से बी की दूरी कितनी है 330 किलोमीटर, कितनी दूरी है 330 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच में है, ये तो आप लोग यहां तक समझ रहे होंगे। ये बताइए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली ये ट्रेन 9 बजे चली या 8 बजे, यानी एक घंटा पहले चली, तो एक घंटा में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, एक घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी ये तय कर चुकी होगी, अब दूरी कितनी बची, अगर 330 में से अगर आप लोग 60 किलोमीटर घटा दें, 330 में से 60 किलोमीटर घटा दें तो कितना होगा 270 किलोमीटर, यानी अब इनके बीच की दूरी कितनी बची है 270, यानी अब यहाँ पे क्या बजे 9 बज गए होंगे, 9 बज गए होंगे इस ट्रेन को यहाँ पे, यानी 9 बजे ये भी चली, अब 9 बजे ये भी चली, और दोनों के बीच की दूरी कितना है 900 किलोमीटर, ओ सॉरी 270 किलोमीटर, अब यही देख लेंगे कि 270 किलोमीटर ये है, अब इसमें इनको समय कितना लगा है मिलने में, यानी मिलने में लगा समय आप ज्ञात कर लेंगे, क्या ज्ञात कर लेंगे मिलने में लगा समय, तो मिलने पकड़ने में लगा समय बराबर क्या होता है गैप फॉर रिलेटिव स्पीड, मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय क्या होता है गैप फॉर रिलेटिव स्पीड होता है, क्या होता है गैप फॉर रिलेटिव स्पीड, तो गैप कितना बना होगा बताइए, अगर गैप देखें तो गैप 270 किलोमीटर का है, कितना है गैप जो है 270 किलोमीटर का है,
और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, चूंकि आमने सामने है तो स्पीड क्या होगी जुड़ जाएंगे, ये 60 जुड़ जाएंगे, 60 प्लस क्या हो जाएगा 60 प्लस 75 हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 60 प्लस 75, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2 घंटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 घंटा आ जाएगा, ठीक है, यानी 2 घंटा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यानी कहेंगे मतलब यहाँ से देखा जाए 9 बजे ये चली, 9 दो 11 यानी 11 बजे यहाँ कहीं मिले होंगी, क्या होंगी 11 बजे यहाँ कहीं मिली होंगी ये लोग, दोनों ट्रेनें क्या होंगी 11 बजे मिली होंगी। और क्या पूछ रहा है, तो दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी, अब देखिए टाइम ही पूछ रहा है, समय ही पूछ रहा है कि मिलने का समय क्या है, समय क्या होगा बताइए। अब 9 बजे यहाँ से ये ट्रेन चली तो चाहे इसको देखिए, अगर इसको देखे तो 2 घंटा बाद चली, 9 दो 11 क्या हो जाएगा 9 दो 11 यानी 11 बजे मिली। अगर यहाँ से शुरू से टाइम लिया जाए तो 8 बजे चली है, 1 घंटा पहले चल चुकी है और मिलने में समय 2 घंटा लगा है, यानी यहाँ से मिलने में समय कितना लगा है 2 घंटा लगा है, तो 8 1 9 तो पहले हो गया और 2 घंटा मिलने का समय यानी 11 बजे टाइमिंग होगा, टाइमिंग क्या होगा 11 बजे होगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग एक एक करके बताइए कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम इतना मेहनत से इतना कहने मतलब अच्छे से आप लोगों को समझा रहे हैं, तो क्या क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है, यानी जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत आप लोग भी कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो मैं पढ़ाने कोई मतलब नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को, और क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन, देखिए और अच्छे से हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन इसमें दिया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, परीक्षा में हम देख रहे हैं कि लगातार हर परीक्षा में पूछ रहा है ये क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन उसमें से सर्वप्रथम रूप से ये क्वेश्चन पूछता है, प्रथम रूप से ये जान लीजिए। रेलगाड़ी ये देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, रेलगाड़ी ए स्टेशन एक्स से ठीक है 4 PM बजे चलती है, यानी 4 बजे एक रेलगाड़ी है जिसका नाम एक्स स्टेशन से चलती है ए रेलगाड़ी ठीक है, स्टेशन वाई पे 6 PM बजे पहुंच जाती है ठीक है, और रेलगाड़ी बी वाई से 4 PM बजे चलती है तथा 7 बजे जो है यक्स पर पहुंच जाती है, कितने बजे ए बी दोनों परस्पर मिलेंगी, एक दूसरे पर मिलेंगी, मिलने का मिलेंगी यही पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए आप लोग, क्वेश्चन में कुछ नहीं बस आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझना होगा, अगर क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। एक स्टेशन ये मान लीजिए यहाँ से एक स्टेशन यक्स है, ये स्टेशन क्या है वाई है, ये स्टेशन एक्स है, ये स्टेशन क्या है वाई है, एक ट्रेन क्या चल रही है 4 बजे निकलती है, ए एक ट्रेन है, ये मान लीजिए ए ट्रेन है और ये कितने बजे चलती है 4 बजे यहाँ से चलती है, 4 बजे चलती है और कितने बजे वाई पर पहुंच जाती है 6 बजे पहुंच जाती है, 6 बजे पहुंच जाती है तो कितना टाइम लगा उसको पहुंचने में, कितना ए रेलगाड़ी कितना टाइम लगा 2 घंटे टाइम लगा, इसको 4 2 6 यानी 2 घंटे में पहुंच गया है, 4 बजे निकली है 6 बजे वाई स्टेशन में पहुंच गई है, और एक रेलगाड़ी है बी, और बी क्या करती है बी कितने बजे निकलती है, बी जो है कहने मतलब वाई स्टेशन 4 बजे निकलती है ये भी और 7 बजे पहुंच जाती है यक्स पे, यानी वाई से 4 बजे निकलती है 7 बजे पहुंच जाते हैं तो 4 3 7 यानी इसको समय कितना लगा है 3 घंटा, यानी ये 3 घंटे में पहुंचती है, ये कितने 2 घंटे में पहुंचती है, तो इनके बीच की दूरी मानेंगे, अब इसके बीच की दूरी तो पता नहीं है तो टाइमिंग कैसे निकलेगा, तो मिलने का समय कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा ना, तो हम इनके बीच की जो दूरी मान लेंगे वो दूरी क्या मान लेंगे, ये 2 घंटे लगता है 3, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 3 2 का एलसीएम 6, यानी 6 किलोमीटर दूरी मान लेंगे, क्या है 6 किलोमीटर इनके बीच की दूरी मान लेंगे, हमेशा आप लोग ऐसे ही कीजिएगा 6 किलोमीटर इनके बीच की दूरी मान लीजिएगा, कहने मतलब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो इनके बीच की दूरी हो जाएगी, अगर बीच की दूरी पता है और समय भी पता है, यानी ए को 2 घंटे लगता है 6 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो स्पीड क्या होगी, तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो ए की स्पीड सिंपल सी बात है 6/2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ए की स्पीड कितनी निकल के आई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और 6 किलोमीटर की दूरी है 3 घंटे में बी तय करता है, तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी 6 से अगर 3 में भाग देंगे तो स्पीड कितनी निकलेगी 3 × 6 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ए की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, तो मिलने का समय आप बताइए आप लोग निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, तो मिलने का समय क्या होता है बताइए, मिलने का समय देखिए, मिलने का समय क्या होता है गैप पर रिलेटिव स्पीड होता है, गैप पर रिलेटिव स्पीड, गैप कितना हो जाएगा गैप 6 किलोमीटर का है,
रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएंगी आमने सामने विपरीत दिशा से आ रही, यानी तीन दो तीन किलोमीटर, ये है दो किलोमीटर, तीन दो पांच, यानी पांच, यानी छह बटा पांच। छह बटा पांच को क्या लिख सकते हैं, छह बटा पांच चूंकि क्या है घंटा, तो घंटा है तो इसको अगर मिनट में चेंज करेंगे तो साठ से क्या होंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होंगे साठ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, बारह पंचे साठ, बारह पंचे साठ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बारह छह बहत्तर, बारह छह बहत्तर यानी बहत्तर मिनट। बहत्तर मिनट का क्या मतलब है, बहत्तर मिनट को अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, एक घंटा यानी साठ मिनट निकाल लीजिए, एक घंटा क्या हो जाएगा बारह मिनट, एक घंटा बारह मिनट ये आपका आंसर हो जाएगा, एक घंटा बारह मिनट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एक घंटा बारह मिनट, लेकिन एक घंटा बारह मिनट ये नहीं पूछ रहा, पूछ रहा टाइमिंग आपका, क्या पूछ रहा है टाइमिंग पूछ रहा है, टाइमिंग कैसे निकालेंगे बताइए, एक घंटा बारह मिनट यानी ये कितने बजे चलती है, चार बजे चलती है, चार बजे चलती है, एक घंटा बारह मिनट जो है एक घंटा बारह मिनट बाद मिलती है तो कितना हो जाएगा चार एक पांच, यानी कहने मतलब क्या हो जाएगा यहाँ आप देखिए चार एक पांच यानी पांच घंटा कितना बारह मिनट, यानी पांच घंटा बारह मिनट क्या होगी, ओ सॉरी पांच घंटा नहीं पांच बजके, पांच बजकर कितना, पांच बजकर बारह मिनट, पांच बजकर बारह मिनट पे क्या होंगी दोनों ट्रेनें मिलेंगी, आपका आंसर ये रहेगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे देखिए क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल, अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को इतना चित्र बनाना, इतना बस आप लिखेंगे मिलने का समय बराबर, दोनों का एलसीएम आप ले लेंगे, दोनों का एलसीएम आपके दिमाग में तुरंत चलेगा कि चाहे जो दिया रहेगा उनका एलसीएम चलेगा, उन्हीं के दोनों के स्पीड को जोड़ लेंगे, ठीक है उन्हीं के क्या होंगे स्पीड को जोड़ लेंगे, यानी छह बटे पांच हो जाएगा। बस आप लोग मतलब कहने मतलब ये क्वेश्चन को मन में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहली बार जो है समझने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझना जरूर होगा। इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पे और बता देते हैं ताकि आप लोगों को कभी ना भूले, कभी ना भूले कि ये क्वेश्चन अगर आए, चूंकि बहुत बार पूछा जा रहा है परीक्षा में, हर बार देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत दे रहा है, क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं होता, बच्चे घबरा जाते हैं, ना टाइम पूछ लिया जाता है और पता लगता है ना उसमें स्पीड दिया है और ना ही उसमें दूरी दिया है, तो बच्चे सोचते हैं ना स्पीड दिया है ना दूरी दिया है तो समय निकलेगा कैसे, नहीं कैसे निकलेगा आप लोग देखिए। जैसे क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है ए से बी, ए से जो है आठ बजे चलती है और बी पे कितने बजे पहुंचती है, दस बजे पहुंचती है, ठीक है दस बजे पहुंचती है, और एक ट्रेन है जो बी से नौ बजे चलती है और ए पे ग्यारह बजे पहुंचती है, मिलने का समय ज्ञात करना, सिंपली उसी तरह है। देखिए इसमें भी आप लोगों को फिगर बना दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे समझ में नहीं आया। ये मान लीजिए ए है और ये बी है, इधर से ट्रेन चलती है, इधर से ट्रेन चलती है, ट्रेन चलती है वो कितने बजे पहुंचती है, दस बजे चलती है, दस बजे पहुंचती है, सॉरी आठ बजे चलती है दस बजे पहुंचती है, यानी आठ बजे चलती है दस बजे पहुंच जाती है, कितना घंटा समय लिया, दो घंटा समय लिया। और इधर से एक ट्रेन चलती है, वो ट्रेन कितने बजे चलती है, वो ट्रेन दस बजे नौ बजे चलती है और ग्यारह बजे पहुंच जाती है, नौ दो ग्यारह यानी दो घंटे का समय इसको भी लगा है, कितना लगा है दो घंटे का समय इसको भी लगा है, ठीक है दो घंटे का समय लग गया है। अब देखिए दो घंटे का अगर समय लग गया है तो दो घंटे दो घंटे दो दो का एलसीएम कितना होगा, यानी दो, यानी दो किलोमीटर इसका एलसीएम हो जाएगा, दो किलोमीटर इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए इनके बीच गैप कितना बनेगा, अगर गैप देखा जाए तो एक ट्रेन कितना चल रही है आठ बजे चलती है, एक ट्रेन नौ बजे चलती है, तो आठ अगर एक ट्रेन पहली बजे, पहली ट्रेन ये कितने बजे चलती है आठ बजे चलती है, ये ट्रेन नौ बजे चलती है, नौ बजे चलती है, तो आठ बजे जब चली है तो एक घंटा चली होगी, एक घंटे में कितने दूरी तय करता है, एक घंटे में यानी ये दो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दो किलोमीटर एक घंटे में दो किलोमीटर अगर जाता है, ठीक है स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड दो एक कम दो यानी एक किलोमीटर प्रति घंटा, एक किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है और एक किलोमीटर प्रति घंटा इसकी भी स्पीड आएगी, यानी दोनों की स्पीड दो से जब इसमें भाग देंगे दो घंटे से दो किलोमीटर में तो कितना आ जाएगा एक किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है यानी एक किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, एक किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, ये आठ बजे चली है नौ बजे भरे में एक किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी, तो एक किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है तो एक किलोमीटर तो बचा होगा, एक किलोमीटर तो बचा होगा बीच की दूरी, तो मिलने का समय क्या होगा, मिलने का समय देखिए, मिलने का समय, मिलने का समय वही गैप पर रिलेटिव स्पीड, गैप कितना है एक किलोमीटर का गैप है, समझ रहे हैं आप क्वेश्चन, एक किलोमीटर का गैप है, ठीक है एक किलोमीटर का क्या है गैप है, और रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों स्पीड जुड़ जाएंगे, नहीं एक किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, एक किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, एक एक दो हो जाएगा, दो एक बटा दो, एक बटा क्या हो जाएगा एक बटा दो घंटे, एक बटा दो घंटे का मतलब लिख सकते हैं डायरेक्ट तीस मिनट, कितना लिख सकते हैं तीस मिनट।
अगर क्या पूछ रहा है टाइमिंग, इसमें भी पूछ रहा होगा कि कितने बजे मिलेंगे, तो बताइए ये 30 मिनट बाद मिलती है, यानी 9 बजे ट्रेन चलती है, यानी 9 बजे अब यहाँ से ये चली होगी, एक घंटा तो पहले चल चुकी होगी, तो 9 बजे चली होगी और 30 मिनट बाद मिली होगी, ये कितना टाइमिंग होगा 9:30, कितना टाइमिंग होगा 9:30 पे दोनों ट्रेन क्या होंगी मिल जाएंगी, 9:30 पे क्या होंगी दोनों ट्रेन मिल जाएंगी। बताइए क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आप लोगों को बिल्कुल आया होगा, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ पे समस्या हो रही है। अपना जो है अगले टॉपिक में ध्वनि पर आधारित प्रश्नों को लेके आएंगे और विद्युत और मेहनत और जोश और जज्बे के साथ आप लोगों को समझाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।